I don't say. Hello everyone. Hello everyone. Mama. Welcome back to my channel. Welcome back to my channel. Saima Aziz. की तरफ से. आप सबको. आप सबको. सलाम नमस्ते. सलाम नमस्ते. सस्त्रियकार. सस्त्रियकार. Loudly. Loudly बोलने वाली थी. Mama. Yes. I'm to go outside. Okay, you go outside. We'll make video. आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फिनलैंड के इंग्लिश स्कूल के बारे में. मैंने ऑलरेडी इस टॉपिक पे दो वीडियो डिटेल वीडियोस बनाई हुई है, आपके साथ मैं लिंक शेयर करूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से देख सकते हैं. बट फिर भी बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि आपकी बेटी ISH से इंटरनेशनल स्कूल ऑफ हेलसिंकी से एस्पो इंटरनेशनल स्कूल में आई है, तो उसको एडमिशन कैसे मिला, एंट्रेंस टेस्ट में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, कितनी देर का एग्जाम होता है, बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे थे. प्लस स्कूल में और क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, असाइनमेंट किस टाइप के होते हैं, होमवर्क मिलता है कि नहीं, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे. क्योंकि नो डाउट यहाँ पे स्कूल टू स्कूल भी वेरी करता है. जैसे ISH में जब जाती थी तो उतना ज़्यादा होमवर्क वगैरह नहीं था, बिल्कुल डिफरेंट था. बट EIS में आने के बाद, ESPO स्कूल में आने के बाद थोड़ा चेंज हुआ है. इंडिया जैसा तो बिल्कुल भी नहीं है, बट हाँ चेंज हुई हैं चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी. कुछ लोगों के क्वेश्चंस लाइक कमेंट्स आ रहे थे फूड से रिलेटेड, ये खाना कैसा मिलता है एंड ऑल, और क्या क्या क्लासेस होती हैं. जैसे मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि हिंदी की क्लासेस होती है यहाँ के स्कूल्स में, तो EIS में भी होती है, यहाँ पे रिलीजन क्लासेस भी होती हैं. तो ऐसे बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं, पॉइंटर्स हैं, वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे. प्लस कुछ नए रूल्स भी बने हैं एडमिशन के रिलेटेड, एडमिशन को लेकर के. तो EIS की मैं बताऊंगी क्योंकि ये स्टूडेंट है EIS की, तो वहाँ पे जो भी रूल्स बनते हैं वो स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर किए जाते हैं. तो अब ये वीडियो मैं आयत के हवाले करती हूँ, वो बताएगी. सबसे पहले तो तुम्हें बताना है कि एंट्रेंस टेस्ट जो तुमने दिया था तो क्या सिलेबस था, क्या प्रिपरेशन किया एंड ऑल, बताइए. सो एंट्रेंस टेस्ट जो हम लोग का हुआ था उसमें वी हैड टू, इट वॉज एन इंग्लिश टेस्ट, क्योंकि जो जानना चाहते हैं वो लोग कि बच्चा इंग्लिश में बात कर सकता है या इंग्लिश पढ़ सकता है, इंग्लिश में जानता है, बिकॉज दे कम्युनिकेट इन इंग्लिश, पढ़ाते इंग्लिश में है वो लोग. तो इंग्लिश टेस्ट में ग्रामर का एक सेक्शन था, और एक देर वॉज वन डिक्टेशन सेक्शन, और एक था एक राइटिंग सेक्शन था. तो फर्स्ट वॉज डिक्टेशन, जिसमें जो टीचर थे एग्जामिनर, उन्होंने फाइव सेंटेंसेस बोले थे एंड वी हैड टू राइट देम डाउन विथ कॉमा, फुल स्टॉप, सॉरी पंक्चुएशंस, स्पेलिंग, सब देख के हम लोगों को लिखना था. बेसिकली वो जानना चाहते हैं कि जो टीचर आपको पढ़ाएंगे वो आप कितना अच्छे से सुन सकते हैं, मतलब सुन के फिर, और वो भी कैसे कर सकते हैं. उसके बाद एक था ग्रामर का सेक्शन, जिसमें टेंसेस और क्लॉजेस वो सब चीज़ें थी उसमें. और फिर था जो नेक्स्ट हम लोग के पास हाफ था अपने टेस्ट का, उसमें हम लोग को एक स्टोरी लिखनी थी. वाज लाइक अ प्रॉम्प्ट गिवन, जब स्टोरी को स्टार्ट कर दिया गया था हमें उसको मतलब और कंटिन्यू करना था. तो मेरी स्टोरी थी कि एक आपके घर पे एक अनएक्सपेक्टेड विजिटर आया है एंड उसने आपके लिए एक टास्क रखा है जो आपको कंप्लीट करना है. तो आपको टास्क के बारे में बताना है, आपने वो कंप्लीट किया कि नहीं किया, देन व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, तो आपको उसके बारे में लिखना था. लाइक आपको टीचर ने थीम दे दिया है, थीम दे दिया है, स्टार्ट करके दे दिया. ओके, तो सिर्फ एक ही रहता है या उस पे ऑप्शंस होते हैं, दो तीन ऑप्शंस होते होंगे ना उस, लाइक ये स्टोरी प्रॉम्प्ट वाला सेक्शन था, राइट? तो स्टोरी प्रॉम्प्ट में आपके पास ऑप्शंस होते हैं? ऑप्शंस नहीं. ओके, फॉर मी इट वाज जो दिया है वो दिया था. ऑप्शंस नहीं होते मुझे, आई एम सॉरी, मुझसे किसी ने पूछा था तो मैंने उनको बोला था कि ऑप्शन होते हैं, बट नहीं ऑप्शन नहीं होते हैं, ऑप्शंस नहीं थे. एंड वी हैड टू पेजेस, लाइक टू पेजेस में आपको लिखना था वो स्टोरी. यू हैड टू फिल मिनिमम वन पेज, आपको मिनिमम वन पेज फिल करना है, मैक्सिमम टू पेजेस आपको फिल करना है. लेकिन टू से बियॉन्ड भी नहीं जाना चाहिए जैसा तुमने बताया था मुझे. हाँ, टू से बियॉन्ड नहीं, वो एक्स्ट्रा उतनी लिखे हुए थे लाइंस, उतनी दी हुई थी आपके पास. ओके, एक्स्ट्रा अगर आपको और भी जाना है, लाइक स्टोरी थोड़ी और बढ़ानी है, तो आप उनसे एक्स्ट्रा पेपर नहीं मांग सकते. आई डोंट थिंक सो. ओके, किसी ने मांगा भी नहीं था. ओके, लेकिन आई डोंट थिंक आप जा सकते हो. एग्जाम की ड्यूरेशन
आई थिंक 90 मिनट्स थी, हाँ 90 मिनट्स थी, हाफ हाफ में किया था, 45 मिनट्स लाइक स्टोरी प्रॉम्प्ट के लिए 45 मिनट्स और फिर 45 मिनट्स वो ग्रामर और डिक्टेशन के लिए, दो साथ में था। ओके मैं आपके साथ जो हमें सिलेबस आया था मेल के साथ, मैं उसकी स्क्रीनशॉट भी आपके साथ शेयर करूंगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं कि एग्जैक्टली उनका क्या सिलेबस होता है, उन्होंने हमारे साथ क्या शेयर किया था। और मैं आपके साथ जो बुक्स से आयत ने प्रिपरेशन किया था, रेफरेंस बुक्स जो भी थी किंडल से लिया था, उसके सारे नाम भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और कॉम्पिटिशन बहुत टफ होता है एडमिशन के लिए, लोग बहुत ज्यादा होते हैं, सीट्स बहुत कम होती है, 3 सीट 25 बच्चे, हाँ 3 सीट थी आयत, और सीट्स का आपको पता भी नहीं होता है, हाँ। ये डिस्क्लोज नहीं करते हैं कि कितनी सीट्स अवेलेबल है, नहीं है, वो जो भी बच्चे आते हैं एग्जाम्स के लिए लाइक फॉर्म एप्लीकेशन देते हैं, जिन जिन बच्चों का एग्जाम होता है वो बस एग्जाम ले लेते हैं एक साथ, जो आप पिछले वीडियो में देखेंगे कि ये जो एग्जाम्स होता है ये अप्रैल में होता है, ओपन फॉर ऑल है, पूरे फिनलैंड से कोई भी एग्जाम दे सकता है। इस एग्जाम के लिए कोई भी आपको एड्रेस या फिर उनके म्युनिसिपैलिटी का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है कि आप इसी म्युनिसिपैलिटी में होने चाहिए एंड ऑल। जैसे अगर आप मिड में एडमिशन लेने आएंगे तो आपका एड्रेस एस्पो स्कूल में, सॉरी एस्पो स्कूल जिस म्युनिसिपैलिटी में है उधर ही का होना चाहिए, लाइक एस्पो में ही आपका एड्रेस होना चाहिए तभी आपका एडमिशन मिलेगा। बट जो अप्रैल में होता है एंट्रेंस एग्जाम न्यू, यस फुल फिनलैंड के लिए होता है, क्योंकि वो न्यू सेक्शन के लिए होता है, जैसे इसने दिया था ग्रेड 6 के लिए, और यहाँ पे जो स्टार्ट होता है सेशन वो अगस्त से होता है, तो आयत ने मई में सेशन खत्म हो जाता है, यहाँ पे जून जुलाई वेकेशन होता है और फिर अगस्त से नया सेशन स्टार्ट होता है। तो अप्रैल में इसका एग्जाम हुआ था और जून में रिजल्ट आया था, जुलाई में मुझे जून याद है, मे बी जुलाई जून जुलाई जुलाई में आया था, हाँ मिड जुलाई और जून जो भी हो उसमें रिजल्ट आता है और देन अगस्त से आप कंटिन्यू क्लासेस करते हैं। तो ये आयत था, आयत ने जब एग्जाम दिया था तो सिर्फ ग्रेड 6 के लिए 25 बच्चों ने अपेयर किया था और 3 बच्चों का एडमिशन हुआ था, क्योंकि वी हैव 3 सेक्शन इन ग्रेड 6 और हर सेक्शन में एक बच्चे को लिया गया था। बट वी डिडंट नो, हम लोग को बताया नहीं गया था स्कूल में आने के बाद भी कि इतनी सीट्स थी एंड स्टफ। हम लोग जब फ्रेंड्स बनाए मैंने तो फिर लोगों ने बताया कि अच्छा ये 3 सीट्स थी एंड देन उन तीनों पर ये 3 बच्चे आए थे, तो उनमें से एक मैसेज थी, तो अल्लाह का शुक्र है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा लाइक एडमिशन लेने के लिए परेशान थे, नो डाउट, क्योंकि ISH की फ़ीस आपको पता है बहुत ज़्यादा थी और बाकी स्कूल्स में एडमिशन भी नहीं मिल रहा था, जो हेलसिंकी में जो रेसो है वहाँ पे एडमिशन भी नहीं मिल रहा था, बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि एडमिशन मिल गया। तो ये आयत ने बताया कि लाइक क्या क्या क्वेश्चन आते हैं और किस तरह, कुछ पिक्चर्स नहीं होते हैं ना, पिक्चर देंगे और फिर पिक्चर देख के लिखना है, क्योंकि कुछ कमेंट्स मुझे ये भी आ रहे थे कि क्या ये जो स्टोरी प्रॉम्प्ट है ये पिक्चर देख के है क्या, पिक्चर देख के नहीं, बट आई हैव अ फ्रेंड वो फर्स्ट ग्रेड में है, वो छोटी है मुझसे, तो जब उसने टेस्ट दिया था आई थिंक शी हैड अ पिक्चर, उसके पास छोटे बच्चों के लिए है, छोटे बच्चों के लिए है कि वो पिक्चर देख के स्टोरी के बारे में लिखे, स्टोरी नैरेट कर लेंगे, लाइक स्टोरी राइट करेंगे, बट नॉट फॉर ग्रेड 6 और ग्रेड 7। तो ये था एग्जाम्स का, आप कैसे तैयारी करेंगे। और यहाँ पे जैसे हमारे इंडिया में होता है कि क्लास 1 से क्लास 10 तक एक मिडिल स्कूल होता है, मतलब एक साथ में स्कूल होता है, एक साथ में स्कूल होता है, और 10th में हम बोर्ड का एग्जाम देते हैं और फिर 10+2 होता है, लाइक 11th और 12th इज कॉलेज में जाइए या अगर स्कूल में ही कंटिन्यू करना है तो हाई स्कूल जैसा। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे हाई स्कूल 10th के बाद होता है, 10th 11th 12th। यहाँ पे अगर मैं कहूँ जैसे हमारे इंडिया में 10+2 होता है, तो इन फिनलैंड 9+3 होता है, एग्जैक्टली क्लास 9 में आपको बोर्ड के एग्जाम्स देने होते हैं। और बहुत कम स्कूल है जहाँ पे मुझे लगता है एक ही स्कूल नहीं, है 5 स्कूल्स हैं, नहीं 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 मैं ये बोल रही हूँ कि यहाँ पे रेसो स्कूल है जहाँ पे ग्रेड 1 से ग्रेड 12th तक है, लाइक उसका लुकियो भी है। यहाँ पे जो 12th के लिए जो स्कूल होते हैं ना, लाइक 10th 11th 12th के लिए, सॉरी हाँ हाई स्कूल जो होते हैं उसको लुकियो बोला जाता है। तो लुकियो सिर्फ रेसो स्कूल में है, वहाँ पे आप ग्रेड 1 से ग्रेड 9 तक पढ़ सकते हैं और देन 9th के बाद आप लुकियो के लिए टेस्ट देंगे।
विदाउट टेस्ट आपका होगा नहीं, डजंट मैटर कि आपका रेसो में भी है। बाकी जैसे EIS में आई जाती है तो अभी तक EIS में नहीं है, सिर्फ 9th तक ही है, मिडिल स्कूल है। आपको जो हाई स्कूल में जाना है तो 10th 11th 12th लुकियो में, वो आपको अलग से एग्जाम देना पड़ेगा। और इंग्लिश में लुकियो 5 लुकियो है फिनलैंड में, एक तो मैंने रेसो बता दिया, बाकी 4 का नाम मुझे याद नहीं है, वो मैं किसी लुकियो के स्टूडेंट के साथ इंशाल्लाह जल्द वीडियो शेयर करूंगी, तो वो आपको डिटेल्स बताएगी कि वहाँ पे क्या क्या होते हैं लाइक एडमिशन के लिए, वो मैं इंशाल्लाह बनाऊंगी जल्द। मेरी बात चल रही है एक स्टूडेंट से, वो रेडी हो जाए तो जस्ट लाइक हर मैं बनाऊंगी। तो ये हो गया कि आपको एंट्रेंस टेस्ट में क्या क्या आता है, इसने बताया। सिलेबस मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, वो आपने देख लिया, मेल्स आपने देख लिए, सॉरी नॉट मेल्स, मेल में मुझे जो सिलेबस आया था वो आपने देख लिया, और जो बुक है उसकी स्लाइड आपने देख ली कि बुक कौन सी है। अब बात आती है कि इन लोगों के जो सब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं, असाइनमेंट क्या होता है, तो सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं। तो हम लोग के अभी ग्रेड 6 में सब्जेक्ट्स हैं लैंग्वेज, सबसे पहले 4 लैंग्वेजेस होती हैं आपकी, इंग्लिश बीइंग द फर्स्ट वन, उसके बाद फिनिश मैंडेटरी है, स्वीडिश मैंडेटरी है, हम लोग का आई थिंक स्वीडिश ग्रेड 6 से शुरू होता है एंड देन अप टिल 9th ग्रेड, तो स्वीडिश मैंडेटरी है, एंड देन आपका होता है एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज फ्रेंच और स्पेनिश, यू कैन चूज, आपके पास चॉइस होती है, एंड यू कैन ऑल्सो चूज नॉट टू डू फ्रेंच और स्पेनिश, लेकिन वो लेकिन यू हैव टू वर्क एक्स्ट्रा हार्ड फॉर ग्रेड्स देन। जैसे कि मेरी कुछ कुछ फ्रेंड्स हैं एंड दे आर नॉट डूइंग ईदर फ्रेंच और स्पेनिश, लेकिन मैं फ्रेंच में हूँ, एंड देन यू हैव मैथ्स साइंस डिवाइड हो जाती हैं बायोलॉजी केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में इन ग्रेड 7, लेकिन अभी हमारे सिर्फ साइंस है, सब कुछ कवर होता है। उसके बाद एक रिलीजन क्लासेस होती हैं, यू कैन चूज आपका रिलीजन, आप चूज कर सकते हो, जैसे कि मैं इस्लाम क्लास में जाती हूँ, लेकिन देर इज कृष्णा लूथरन ऑर्थोडॉक्स, बहुत सारे आपके पास ऑप्शन होते हैं, एंड देर इज ऑप्शन एथिक्स कि आप मतलब रिलीजन नहीं करो लेकिन यू लर्न अबाउट डिफरेंट रिलीजन्स इन्वायरमेंट्स के बारे में लोग सीखते हैं। एंड व्हाट एल्स डू वी हैव, पीटी होता है, यहाँ पे पीई बोलते हैं उसे, म्यूजिक आर्ट क्राफ्ट्स होता है, टेक्सटाइल जिसमें हम चीज़ें बनाते हैं कपड़े से, मैंने शॉर्ट्स बनाए थे लास्ट सेमेस्टर, और इस सेमेस्टर हम लोग वुड वर्क कर रहे हैं, इसमें हम लोग वुड चीज़ें बनाते हैं। ये वुडन जो भी क्लास है वो ISH में भी होता था, और वहाँ पे आयत ने एक बहुत अच्छी चीज़ बनाई थी जो कि बहुत यूज़फुल है, वो मैं आपको दिखाऊंगी इस वीडियो में, अभी मुझे देखना पड़ेगा कहाँ पे है, तो मैं आपको दिखाऊंगी, वो काफ़ी यूज़फुल है हमारे लिए। हम अरहमा से हमने कल ही छुपा के रखी है, क्योंकि अरहमा उसके साथ वो खुद को हर्ट कर सकती थी, उसके साथ खेल रही थी, तो हमने उसको छुपा के रखी है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे क्लासेस होते हैं। असाइनमेंट होमवर्क का क्या है? होमवर्क का है कि आपके क्लासेस जो होते हैं 5 दिन, उसमें आपको होमवर्क मिलेगा एंड ये टीचर कैन डिसाइड कि आपकी ड्यू डेट कब रहती है। हम सबके पास एक गूगल क्लासरूम होता है जो हमारे टीचर्स बनाते हैं, और उसमें दे पोस्ट होमवर्क या फिर कोई सारी असाइनमेंट, ऐप होता है, ऐप में एक ऐप भी तो है तुम लोगों का, वो विल्मा होता है, लेकिन गूगल क्लासरूम कुछ कुछ टीचर लाइक दे चूज गूगल क्लासरूम क्योंकि उस पर आप पिक्चर्स भी डाल सकते हो, तो आप मतलब उसमें आप असाइनमेंट्स डालते हैं, आपके प्रोजेक्ट्स डालते हैं उस पर, एंड देन देयर इज अ ड्यू डेट, आपको उसमें सबमिट करना होता है, एंड यू कैन आस्क क्वेश्चंस टू टीचर एंड फ्रॉम द एप्लीकेशन एज वेल। तो उसमें हम लोग यूजुअली लाइक माय टीचर यूजुअली गिव्स होमवर्क ऑन दैट, लेकिन विल्मा नाम का भी एक ऐप होता है, ये ऐप आपका वांता के स्कूल में भी होता है और एस्पो के स्कूल में भी होता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट हेलसिंकी क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स नहीं हैं जो उधर जाते हैं, लेकिन ISH का तो अलग ऐप था, इंटरनेशनल उसका सीसो नाम का एक ऐप था, वो अलग ऐप था। तो ऐप में आपकी सारी जो हर बच्चों की अपनी जो एक्टिविटीज होती हैं, जो भी क्लास में उनके जो टेस्ट होते हैं, इसके क्लास में भी टेस्ट भी हो रहा है, एग्जाम्स नहीं होते बट हाँ वीकली टेस्ट होते हैं, तो वो सारी चीजें स्कूल में दी जाती है, अगर कोई बच्चा लेट जा रहा है स्कूल तो वो सारी चीजें सारे बच्चों के बारे में मार्किंग एंड ऑल सारी आपको लाइक सारी इन्फॉर्मेशन होती है आपके बच्चों के बारे में कि आपके बच्चे ने स्कूल में क्या क्या किया है एंड ऑल, वो आप विल्मा पे देख सकते हैं, वो पेरेंट्स के पास होता है, लाइक जिस भी मोबाइल में वो ऐप है बच्चे भी देख सकते हैं, पेरेंट्स भी देख सकते हैं कि आपका बच्चा स्कूल में क्या क्या कर रहा है। बाकी पीटीएम में तो बताते ही हैं, बट ऐसे आप ऐप के थ्रू सारी चीजें देख सकते हैं, और उस ऐप के थ्रू आप टीचर से बात भी कर सकते हैं, अगर आपकी कुछ क्वेरी है मैसेजिंग आप वो कर सकते हैं कि अगर आपके बच्चे को वेकेशन पे जाना है एंड ऑल कुछ भी, तो आप अपने टीचर से बात कर सकते हैं, तो वो ये ऐप के थ्रू है।
तो बाकी सब्जेक्ट्स इसने बता दिए। लाइक अगर मैं बोलूँ कि लैंग्वेज क्लास, तो तुम्हारे स्कूल में तीन लैंग्वेज क्लासेस होते हैं, एक फिनिश जो मैंडेटरी है, स्वीडिश क्योंकि यहाँ की सेकेंड लैंग्वेज है फिनिश, तो वो भी सॉरी स्वीडिश इज अ सेकेंड लैंग्वेज इन फिनलैंड, तो आपको फिनिश और स्वीडिश सीखना है। और बाकी थर्ड लैंग्वेज वो आप पे डिपेंड करना है कि वो आपको लेना है या नहीं लेना है। हाँ, लेकिन इट्स गुड कि आप लें, मतलब इट्स प्रेफर्ड कि आपको लेना चाहिए, लेकिन अगर इफ़ यू चूज नॉट टू टेक इट तो फिर आपका मतलब उसका वो पूरा सेक्शन कट जाता है, तो आपको एक्स्ट्रा हार्ड वर्क करना पड़ता है ग्रेड्स के लिए। ओके, लाइक पर सब्जेक्ट का तुम लोगों का ग्रेड्स है? हर सब्जेक्ट का हमको डेली ग्रेड्स मिलते हैं। ओके, एंड उसको एड अप करके एंड में हमको एक ग्रेड दिया जाता है। ओके, तो वो जो ग्रेड है, अगर आप वो सब्जेक्ट नहीं चूज करते हैं थर्ड लैंग्वेज, तो उस ग्रेड को आपको लाइक फुलफिल करने के लिए अदर सब्जेक्ट्स पे ज्यादा मेहनत करनी होगी, ज्यादा ग्रेड लाना होगा। एग्जैक्टली, तो ऐसा है, तो आपकी मर्जी आपको क्या लेना है। फीस की बात मैं करती हूँ, कुछ फीस नहीं है, नथिंग, हमें कुछ भी नहीं देना पड़ता है यहाँ पे, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं है। तो सब्जेक्ट्स हो गए, फीस हो गए, और ये जो इनके होमवर्क जो होते हैं, मैं फिर से होमवर्क पे आती हूँ, जो असाइनमेंट होते हैं उसका ये नहीं है कि आपको आज मिला तो कल देना है, कुछ कुछ में कल भी देना होता है, बट होते हैं कुछ कुछ होते हैं, लेकिन हाँ फिर भी एक ड्यू डेट होता है कि दो दिन चार दिन में आपको दे देना है, अगर ड्यू डेट में नहीं दिए तो विल्मा में फिर आ जाता है और आपको कुछ मार्क्स माइनस में मिलते हैं। जैसे कि हम वी हैड दिस वन प्रोजेक्ट, एक पोस्टर बनाने का प्रोजेक्ट था हमारे पास, एंड उसमें कुछ कुछ लोगों ने सबमिट नहीं किया टाइम पे, तो उन लोग के माइनस टू या माइनस वन पॉइंट हो गया, तो भी है फाइव पॉइंट। हाँ, बट ये तो जो ग्रेड्स होते हैं ये ऐसा ओपनली इन लोग नहीं बताते हैं स्कूल में। नहीं, आप जैसे कि मेरे कुछ वो हैं जो प्रोजेक्ट्स मिलते हैं जो विच आई गॉट लास्ट सेमेस्टर, उनके मेरे ग्रेड्स मुझे एक शीट में करके दे दिए गए कि बाई शी गेव दोज ग्रेड्स, बाई टीचर गेव दोज ग्रेड्स, उसके सारे रीजनिंग सब करके दे दिया गया मुझे, एंड मेरे वो ग्रेड्स मेरे पास रखे रहते हैं। आई कैन चूज टू टेल माई फ्रेंड्स या फिर लोग, लेकिन आपके डिस्क्लोज नहीं किए जाते ग्रेड्स सबके सामने में, डिस्क्लोज मे बी किसी को ज्यादा हो किसी को कम हो, तो लोग बच्चे थोड़ा लाइक होता है ना कि डीमोटिवेट फील, हाँ कॉम्पिटिशन हो जाए, डीमोटिवेशन हो जाए कि अरे यार उसको इतना आया मुझे इतना, तो ये सब नहीं है यहाँ पे। हमारे यहाँ होता है कि वो फर्स्ट है, वो सेकंड है, वो थर्ड है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, जो भी जिसका मार्क्स है वो देखिए। हाँ, बट अगर कोई बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है तो पेरेंट्स से वो बात करते हैं कि आपको इन सब्जेक्ट्स पे ध्यान देना चाहिए, पीटीएम में ये होता है। बाकी ऐसे बच्चों के सामने में किसी को कुछ नहीं बोला जाता, इवन दो के बच्चों को भी कुछ नहीं बोला जाता। नहीं, बच्चों को बोलते हैं एक्चुअली, देयर इज दिस थिंग, आईसीएच में ऐसा तो नहीं था, नहीं वाजंट लाइक दैट देयर, लेकिन यहाँ पे है कि अगर आपके बच्चों के सब्जेक्ट में एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए या वो लोग उतना अच्छा नहीं कर पा रहे सब्जेक्ट में, तो कुछ उन लोग को ना स्पेशल अटेंशन दी जाती है टीचर्स से, जैसे कि इन स्वीडिश देयर आर सम पीपल इन आवर क्लास जो उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं अभी, क्योंकि इट्स द फर्स्ट टाइम लर्निंग, तो वो लोग को मतलब कुछ और हेल्पिंग टीचर्स रहते हैं जो उन लोग के लिए हेल्प करते हैं, टेस्ट में थोड़ी हेल्प कर देते हैं कि सब्जेक्ट्स क्वेश्चन समझाने में हेल्प कर देते हैं। नहीं, मैं बोलना चाह रही थी कि ऐसा कुछ डांटना या बोलना कि व्हाई आर यू डूइंग नॉट वेल एंड ऑल, ये सारी चीजें नहीं, वैसा नहीं होता। हाँ, वो मैं बोलना चाह रही थी, बाकी हेल्प करते हैं वो तो हमने पिछले वीडियो में भी बताया था। तो ये सारी चीजें हो गई। फूड का है कि खाना यहाँ पे मिलता है, हर स्कूल में मिलता है, अच्छा खाना मिलता है। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि वेजिटेरियन फूड होता है कि नहीं, क्या सिर्फ नॉनवेज मिलता है या कैसा फूड मिलता है, हलाल है कि नहीं, तो ये सारी चीज़ें हमें नहीं पता है। सॉरी, कैन आई से समथिंग अबाउट दैट? या तो एक्चुअली आपके फूड आपका डेली जो मेन्यू दिया रहता है, हर वीक का मेन्यू आपके लंच हॉल के पास लगा रहता है या आपके फूड काउंटर के ऊपर लगा रहता है, तो और आपके फूड में लिखा भी रहता है कि मतलब लेबल, देयर ऑल लेबल्ड कि वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, सब क्योंकि पीपल दे डोंट वांट पीपल टू मिक्स फूड एंड ईट, हो सकता है कि कुछ लोग नहीं खा सकते हैं तो दे डोंट वांट दैट, और हर फूड में लिखा रहता है कि दिस हैज लैक्टोज, दिस हैज ग्लूटेन, दिस हैज लाइक नॉनवेज, बट ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपको नहीं खाना है लाइक वेज भी है नॉन वेज भी, ऑप्शंस होते हैं आपके पास, आपको जो खाना है आप खाइए। और जहाँ तक कि कुछ लोगों ने कुछ हलाल वाली बात, तो वो मुझे नहीं पता है कि क्या है, क्योंकि आयत का हमने आयत प्रेफर करती है वेज खाना, तो वो वेज खाती है, जिसको नॉन वेज खाना है वो वेज खाएगा। कुछ लोग स्पेशल होते हैं, जैसे किसी को किसी चीज़ से एलर्जी है या कुछ ऐसा है लाइक मेडिकल प्रॉब्लम है खाने को लेकर के, तो वो आप जाके बोल सकते हैं, एडमिशन के टाइम पे ही वो चीज़ आपको बोल देनी होती है, एक फॉर्म मिलता है उसमें आपको फिल कर देना होता है,
तो उसका आपको खास ध्यान रखा जाता है। लाइक कुछ स्पेशल हो गया ना कि अब कुछ चीज़ें हैं जो हर खाने में मिक्स होती है, तो उससे अगर किसी को एलर्जी है तो उस चीज़ का खास ध्यान रखा जाता है कि हाँ इस बच्चे को है, तो कुछ एक दो बच्चों के लिए स्पेशल खाना बन जाता है। बट ऐसा नहीं है कि अब 10 बच्चे हैं 12 बच्चे हैं तो सबका अलग अलग बनेगा, तो ऐसा नहीं होता है। एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता। लेकिन स्पेशल खाने की बात, आई थिंक इट हैपेंड इन ISH, यहाँ पे स्पेशल नहीं, यहाँ पे भी है। यहाँ पे मैंने एक फ्रेंड से बात की थी, तो उसके बच्चे को एलर्जी है तो उसका अलग से खाना बनता है, कुछ ब्रेड से मतलब मिलता है। या फिर आप ये कर सकते हैं कि ऐसे बच्चों को कि भाई हम स्कूल से नहीं लेंगे खाना, आपको आप घर से लेके जाओ। जैसे आयत का भी है कि अगर हम एडमिशन के टाइम पे ही बता देते कि ये स्कूल का खाना नहीं खाएगी, हम घर से लंच देंगे, तो फिर ये होता कि ये उसे बिल्कुल भी नहीं दिया जाता है स्कूल का खाना, फिर मैं इसे लंच देती वही ये खाती। बट हमने कहा कि नहीं, यू शुड ट्राई एटलीस्ट कि क्या है, तो यहाँ का खाना ठीक रहता है। हाँ, ISH का थोड़ा उतना अच्छा नहीं होता था, इसे पसंद नहीं आता था। यहाँ के स्पाइसी रहता है, यहाँ थोड़ा रहता है क्योंकि यहाँ पे इंडियंस ज्यादा है, या मुझे नहीं पता, बट हाँ यहाँ आपका खाना फिर भी इसे पसंद आ जाता है, ये खा लेती है, तो खाना दिया जाता है। यस, बाकी तो मैंने बता दिया, वहाँ पे आप स्कूल में बात कर लेंगे क्या है नहीं है, और अगर आपको इतना मसला है हलाल एंड ऑल का तो आप वेज खाइए, क्या प्रॉब्लम है, घर आके खाइए हलाल खाना जो भी करना है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत आ रहे थे, आई एम सॉरी, ये कमेंट्स बहुत आ रहे थे, मैंने आयत को भी दिखाया, बहुत कमेंट्स आ रहे थे फूड को लेकर के स्कूल का, तो आप स्कूल में बात कर सकते हैं। आप जो वहाँ पे शेफ्स, जैसे मेरे स्कूल में शेफ्स खाना दे रहे हो, मतलब खाना दे नहीं रहे, मतलब रख रहे होते हैं, चेंजिंग प्लेट्स, सर्व नहीं बट चेंजिंग द ट्रेज एंड स्टफ, टेबल सेट कर रहे होते हैं बेसिकली। नहीं, लोग खुद से सेट करना होता है अपना टेबल। नो, नॉट टेबल, वो जो टेबल पे टेबल रख रहे होते हैं, मेन काउंटर, हां काउंटर सेट कर रहे होते हैं, काउंटर सेट कर रहे होते हैं, फिर से ब्रेड एंड स्पाइसेस का सेक्शन, यहाँ पे ब्रेड, बटर, क्रैकर्स और चीजें रखी होती हैं, तो वहां से आप कुछ जाके ले सकते हो इफ यू वांट टू, तो वो सब चेंज कर रहे होते हैं, तो यू कैन आस्क देम एज वेल कि यहाँ पे मतलब इज दिस, जैसे मेरे पास एक डाउट था कि ये खाना वेजिटेरियन है कि नहीं, कि एक जगह पे वेज लिखा था, एक जगह पे नॉन वेज लिखा हुआ था, तो मैंने पूछा एंड देन दे क्लैरिफाइड कि नहीं ये वाला वेजिटेरियन है, तो वैसे बता देते हैं आपको कि खाने में क्या है इफ़ यू हैव एनी स्पेशल डाइट प्रेफरेंसेस। तो ये सारी चीज़ें हैं, मुझे लगता है ये सारी चीज़ें हमने पिछले वीडियोस में भी बताई हैं, तो प्लीज़ आप बोर मत होइएगा, हम बता रहे हैं तो बस बता दी। और न्यू रूल के बारे में लास्ट जो है, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी, और फिनिश स्कूल भी जो होता है ना यहाँ पे, वो ऑलमोस्ट ऐसा ही होता है, ऐसे ही असाइनमेंट होते हैं, होमवर्क जो थोड़ा बहुत होमवर्क मिलता है, असाइनमेंट ज़्यादा होते हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं हर स्कूल में, फिनिश स्कूल में भी। और यहाँ पे इन लोगों को अभी से, मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि इन लोगों को अभी से अपना CV बनाना, इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना, क्योंकि अभी इसका इंटरव्यू होने वाला है फॉर जॉब, ये लाइक प्रिटेंड करते हैं कि आपका इंटरव्यू है जॉब के लिए, सैलरी मिलती है, सैलरी मिलती है एक महीने की, एक महीना आपको जॉब करना होता है वहाँ पे, ऐसा भी कुछ है ना, लाइक ये एक जॉब का ऐसे विलेज टाइप का है जहाँ पे आप जाके जॉब करते हो, यू गेट सैलरी, उस सैलरी से जो आपको मिलती है, फॉर दैट वन टाइम यू कैन बाय स्टफ फ्रॉम इट, तो आप किसी भी लोकल शॉप पे जाके फॉर दैट वन टाइम यू कैन बाय थिंग्स। तो ये सब इंटरव्यू कौन लेगा? टीचर्स लेते हैं, टीचर्स इंटरव्यू लेंगे आपका, लाइक जैसे इंटरव्यू पैनल होता है ना जॉब्स के लिए, तो वैसा होगा। तो CV से खुद से बनानी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह से इसने अपनी CV बनाई है, टीचर्स थोड़ा बताते हैं और कुछ कुछ इन लोगों को फॉर्मेट देते हैं कि इस हिसाब से आपको बनाना है और इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करना है, आपको किस फील्ड में जाना है, तो वो सारी चीज़ें अभी से प्रिपेयर कर रहे हैं इन लोगों को। तो ये बहुत अच्छी लगी हमें, उसके पापा भी कह रहे थे कि हाँ ये काफ़ी अच्छा, चलो हम तो आफ्टर MBA हमें पता चला कि कैसे इंटरव्यू के लिए जाना होता है, क्या करना होता है, इन लोगों को ग्रेड 6 से पता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीज़ें अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं। एक्स्ट्रा क्लासेस में, मैं जैसे पिछले क्लास में इसने क्रोशिया हम लोग बोलते हैं वो सीखा था, उसके बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं, मैं एंड में बताऊंगी, जल्दी जल्दी ख़त्म करती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है। न्यू रूल के बारे में बताओ कि क्या पता चला है। न्यू रूल मुझे, हम लोग वी आर लाइक क्लास रिप्रेजेंटेटिव्स जो चीज़ें हैंडल करते हैं हमारे क्लास के लिए, तो उन लोग ने हमें बताया है कि नेक्स्ट ईयर से एक न्यू रूल आने वाला है, फ्रॉम पीपल स्टार्टिंग फ्रॉम 2nd grade टू 8th grade, आई थिंक एक्सेप्शन इज 7th grade, बट आई एम नॉट वेरी श्योर क्योंकि अभी फाइनलाइज वैसा कुछ नहीं है, लागू नहीं हुआ है अभी तक। तो 2nd grade टू 8th grade के जो बच्चे हैं, दे डोंट हैव टू गिव एन एंट्रेंस टेस्ट,
अगर उनकी मैक्सिमम पढ़ाई इंग्लिश में हुई है तो, मतलब अगर उन्होंने पहले इंग्लिश डे केयर्स में पढ़ा है, इंग्लिश स्कूल्स में पढ़ा है, दे डोंट हैव टू गिव इट एंट्रेंस टेस्ट, लेकिन लॉटरी सिस्टम है, इनकी सारे नाम दिए जाएंगे, उन्होंने नाम पिक करेंगे एक, और जिसका भी नाम आएगा वो जिन्होंने भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है। बट ये रूल आने वाला है, ये अभी तक अप्लाई नहीं हुआ है। हाँ, कब से होगा हमें भी नहीं पता है, तो ये आने वाला है। लेकिन अभी बहुत सारे लोगों का मैंने सुना है, क्योंकि जो लोग मुझसे रीच आउट कर रहे हैं एडमिशन के लिए, कि बहुत सारे लोगों को अगस्त में एडमिशन के लिए डेट दिया गया है इन EIS और अदर स्कूल्स में भी, जैसे मानुला है एक इंग्लिश स्कूल, वांता है इंग्लिश स्कूल, तो उन सारे स्कूल्स में लोगों को बुलाया गया है एडमिशन एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए। तो मे बी ये रूल अभी अप्लाई नहीं हुआ है, बट मे बी कभी भी आ जाए। मैं तो बोलूंगी कि ना आए तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि जो लोग बच्चे जिनको मिलना चाहिए वो इसमें रह जाएंगे, फिर तो ये तो लक पे हो जाएगा ना। हाँ, बच्चों के क्या बोलते हैं, इनकी कैपेबिलिटी, फिर ऑल बी लक सर। एग्जैक्टली, तो वो है, तो देखिए क्या होता है, हमें नहीं पता। एंड दिस इज ओनली फॉर EIS, आई डोंट थिंक कि अदर स्कूल्स का हमें नहीं पता है, हमें नहीं पता है। EIS इज अ बिट डिफरेंट, थोड़ा डिफरेंट है यहाँ पे, मतलब थोड़ा अगर आप पढ़ेंगे ना तो ऐसा लगेगा कि हाँ इंडिया का थोड़ा सा है, जो इंडिया का सिलेबस, नॉट सिलेबस मैं बोलूंगी, बट चीजें सिमिलर लगती हैं पढ़ाई में लेकर के कुछ कुछ चीजें, तो इसीलिए सेटिस्फेक्शन होता है कि चलो बच्चा हाथ से उतना भी नहीं गया है कि अरे होमवर्क नहीं मिला, अरे ये नहीं मिला, अरे वो नहीं मिला, बच्चा भी हाथ में है। तो बस ये है, तो मैंने आपको बता दिया जो भी कमेंट्स आ रहे थे, मैंने नोट डाउन करके रखा था नोटबुक में कि क्या क्या हमें बताने हैं। तो थोड़ी वीडियो लंबी हो गई होगी, बट इट्स ओके, इन्फॉर्मेटिव है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बाकी जो आपको इस वीडियो में लगेगा कि कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो मेरे बाकी के दो वीडियो में है, वो जिसके लिंक मैं शेयर करूंगी आपसे। मिलती हूँ इंशाल्लाह नए वीडियो में, और नया वीडियो मैं शेयर करूंगी कि यहाँ के डे केयर में कैसे एडमिशन होता है। जैसे मेरी छोटी वाली बेटी जाती है, जिसको यहाँ पे पाइवा कोती बोलते हैं, पाइवा मीन्स डे और कोती मीन्स घर, तो जो पाइवा कोती में एडमिशन कैसे मिलता है, फीस क्या है एंड ऑल, बहुत सारी चीज़ें जो कि काफ़ी हेल्पफुल होगी, मैंने लोगों को बताई है और एडमिशन लेने में काफ़ी हेल्पफुल भी हुआ है, तो इंशाल्लाह मैं वो भी बहुत जल्द बताऊंगी आपको। मिलती हूँ नए वीडियो में, मीनवाइल अपना ख्याल रखें, खुश रहें, बाय, अल्लाह हाफिज़।